नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की बेहतरीन इंटरेस्टिंग एजीवीजी वाली वीडियो में। ऑटो हेडलाइट लेवलिंग, ये फीचर आपने बहुत सारी गाड़ियों में सुना होगा, हेडलाइट लेवलिंग ये वो, बहुत सारी चीज़ गाड़ियों में सुना होगा, बट इसको कोई महत्व नहीं देता है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैं बताता हूँ कैसे क्या सब चीज़ें। हमारे पास में तीन कार्स यहाँ पे है और तीनों अपने अपने इंपॉर्टेंस की वजह से खड़ी है। रेनो ड्राइवर में मैकेनिकल हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो आता है गैस के चूल्हे वाले जैसा। उसके बाद में हमारे पास में ऑडी है जिसमें ऑटोमेटिक लेवलिंग होती है, और वहाँ पर खड़ी है कार्निवल जो कि मोस्टली गाड़ियों की तरह एक मैनुअल इलेक्ट्रिकल स्विच जो है वहां पे दिया जाता है जिससे आप हेडलाइट लेवल कर सकते हो। क्यों हेडलाइट लेवलिंग दिया जाती है? आमतौर पे हम इंडिया में सोचते हैं हेडलाइट लेवलिंग के लिए दी जाती है कि भैया आपको अपने कंफर्ट से लाइट सेट कर लो कि आगे गिरनी है कि नीचे गिरनी है। वैसे तो ठीक है, मतलब ये आइडिया ठीक है, बट इसका इजाद इसलिए हुआ था ताकि अपने पैसेंजर के हिसाब से, मतलब जैसे गाड़ी में पीछे चार लोग बैठे हैं तो आपकी गाड़ी बाय डिफॉल्ट लाइट ऊपर गिरने लग जाएगी, हो सकता है सामने वालों की आंखों में गिरे, तो आप हेडलाइट लेवल करके थोड़ी नीचे कर सकते हो, इसलिए वो दिया जाने लगा था। बट हाँ, मोस्टली हम लोग उसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अपने कंफर्ट के हिसाब से लाइट कहाँ गिरनी चाहिए डिसाइड करने के लिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीन तरीके के जो हेडलाइट लेवल आते हैं उसमें क्या है। रेनो ड्राइवर में हम पहुँचते हैं, रेनो ड्राइवर में जो है एक मैकेनिकल आपके पास में नॉब जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ दिया जाता है। ये अंदर से ड्राइवर है और काफ़ी अंधेरा, ऑब्वियसली ड्राइवर में अंदर आपके पास में ज़्यादा लाइट जो है वहाँ पे ड्राइवर में अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे फ़ोन से जो है आपको हल्का सा लाइट दिखाने की। तो रेनो ड्राइवर में जो है यहाँ पे ये जो नॉब आप देख पा रहे हैं, ये नॉब एक तरीके का लीवर है, और ये जब ऐसे रहेगा तो हेडलाइट जो ऊपर की तरफ रहेगी, और ये जब ऐसे रहेगा तो हेडलाइट नीचे की तरफ हो जाएगी। अब ये क्या सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे तो। तो एक प्रॉपर जो है इसमें क्या लगा हुआ है अपने पास में, एक वायर लगा हुआ है जो कि ऑल द वे यहाँ हेडलाइट तक आता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हुए हैं और वो हल्का का नीचे होता है। मैं आपको इधर जो है अभी आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखेंगे जब मैं कोशिश करूंगा ऊपर नीचे करके, ललित एक बार उधर आप दिखाने की कोशिश करना कि कैसे हेडलाइट जो है ऊपर नीचे होती है। मैं यहां से चेंज करूंगा, फिलहाल हेडलाइट जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब ये बंद है ये चालू है, हेडलाइट अभी नीचे की तरफ है और ये मैंने ऊपर कर दिया, आप देख पा रहे हो ये ऊपर हो रही है। अगर एक जगह हम रखने की कोशिश करें, ये देखो ये चेंज हो रही है पूरी की पूरी, हेडलाइट जो है ये ऊपर हुई ये नीचे हुई। तो ये हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आप यहां पे कर सकते हैं। अभी इसको छोड़ता हूं मैं बंद। आम तौर पे मैकेनिकल जो है हर जगह होता है, मतलब बाइक्स में भी होता है और पुरानी कार्स में भी, जैसे एम्बेसडर मॉस्क्विच याद है आपको जो मैंने रशिया में शूट की थी, उसमें भी पांव से दबा के हाई बीम लो बीम करने वाला सिस्टम था, बट वो हाई बीम लो बीम का था जो कि इसमें भी है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एडजस्टमेंट की। तो बाइक्स में क्या होता है, कोई भी लेवर नहीं दिया होता, उसमें आपको स्क्रू लेके स्क्रू ड्राइवर से करना पड़ता है। कुछ पुरानी कार्स में भी जो है पूरे रिफ्लेक्टर सेटअप को आप यहाँ एडजस्ट कर सकते थे। हाउएवर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल की थोड़ी सी, वो उस कार्निवल में लगी हुई जो कि मोस्टली गाड़ियों में लगी होती है, वो है इलेक्ट्रिकली हेडलाइट एडजस्टमेंट बट मैनुअल तरीके से, आपको मैनुअली उसमें कंट्रोल चाहिए होता है, वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो इस गाड़ी में जो है ये एक ऐसा नॉब लगा हुआ है इधर अंदर, ये जो नॉब है ये एक्चुअल में वो सेम ही काम कर रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस नॉब में क्या है कि आप सिंपली जो है इसको नीचे ऊपर करेंगे तो हेडलाइट धीरे 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 ऐसे जो है एडजस्टमेंट उसका होने लग जाता है। अब ये नॉब जो है यहां पे मैं आपको एडजस्ट करके बता दूंगा कैसे काम करता है, वो बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आप अगर उधर देखेंगे तो अभी जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन यहां पे लिखी हुई है थ्री, अब ये थ्री पोजीशन पे मैंने सेट किया, धीरे 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 जो हेडलाइट नीचे जा रही है। अब मैं इसको सेट कर देता हूँ जीरो पे, तो धीरे 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 जो है वो ऊपर जा रही है। अब ये जीरो से थ्री का मतलब ये है कि किस हिसाब से पैसेंजर लोड है उस हिसाब से कर सकते हो। तो आप जीरो तब रख सकते हो जब प्रॉब्ली सिर्फ आगे वाली सीट पर पैसेंजर बैठे हैं, और थ्री तब रख सकते हो जब इवन पीछे तक पैसेंजर बैठे हैं, तो थ्री से सबसे नीचे जो है पोजीशन में आ जाती है। ये इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब ये जो है इलेक्ट्रिकली है, मतलब जैसे ही आप नॉब एडजस्ट करते हो तो जो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे लगी हुई है इन हेडलाइट के पास में, वो हल्का सा ऊपर नीचे जो है पूरा मामले को कर देती है, इस तरीके से वो काम करता है। हाउएवर इसका भी एक एडवांस वर्जन जो है हमारे पास में इस पर्टिकुलर ऑडी A4 में लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। कैसे दिखाऊंगा अभी मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आइए आप इसके अंदर, और जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं, जिसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट कर दो, लाइट पार्किंग लैंप पे लानी है, या लाइट जो है आपको लानी है ऑन पे लानी है, या फॉग लैंप वगैरह एडजस्ट करने तो उस पर लानी है, लेकिन किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं है। ये नॉब तो रियर अंदर वाली लाइट इल्यूमिनेशन जो है उसको कंट्रोल करने की है सारी की सारी, तो किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये कैसे काम करता है? वेल, ये एक्चुअल में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे गाड़ी जो है उसमें रियर जो आपके पास में टायर्स है, रियर जो व्हील्स है, उस पर कितना लोड पड़ रहा है उसके हिसाब से अपने आप गेज कर लेती है कि भैया लाइट कहाँ जानी है, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मतलब आप बेसिकली पीछे अगर दो लोग बैठे हैं और गाड़ी को सेंस हो रहा है कि भैया मेरी लाइट ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो गाड़ी अपने आप थोड़ी सी नीचे कर लेगी। गाड़ी को सेंस हो रहा है कि रियर में इतना लोड नहीं है, तो गाड़ी अपने आप जो है लेवल को मेंटेन कर लेती है, और ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इट्स ऑल ऑटोमेटिक। हाउ एवर
इसका भी एक एडवांस वर्जन है जो कि हमारे पास में गाड़ी अभी है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं मर्सिडीज़ की बात करूं तो मर्सिडीज़ की कुछ कार्स आती है, बीएमडब्ल्यू की जो लेज़र लाइट्स जिन भी गाड़ियों में लगी आती है, ऑडी की मैट्रिक्स लाइट जिन भी गाड़ियों में लगी, उसमें क्या होता है आपकी गाड़ी के गड्ढों के हिसाब से गाड़ी का हेडलाइट जो है लेवलिंग वहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी को लगा कि गाड़ी पीछे से किसी गड्ढे की वजह से गाड़ी आगे से ऊपर हो गई है तो वो जो है उसको आगे हेडलाइट को नीचे कर देगी। अगर आपने स्टीयरिंग टर्न किया है, हल्का सा ऐसे टर्न किया है तो स्टीयरिंग की वजह से आपको इधर मुड़ना है तो पूरी की पूरी हेडलाइट जो हाउसिंग जो है एक तरफ मुड़ जाएगी आपको गाइड करने के लिए। ये फंक्शन जो है फॉक्सवैगन की कई कार्स में भी आता है रेगुलर, जैसे टिगुआन जो है उसमें भी हेडलाइट ऑटोमेटिक लेवलिंग और ये सब चीज़ें आती है। हाउएवर वो कॉन्स्टेंटली जो है मॉनिटर करना और वो सब चीज़ें कुछ हाई एंड कार्स में ही यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग मिलती है। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको ये जानना कि हेडलाइट लेवलिंग क्या होता है, क्यों होता है और अलग अलग फॉर्म में होता है, मैकेनिकल आपके पास में है, मैनुअल इलेक्ट्रिक वहाँ पे है और कंप्लीटली ऑटोमेटिक आपको मैंने ऑडी में यहाँ पे दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये AGBG वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आपके चक्कर में बहुत सारे मच्छर मुझे खा चुके हैं और ललित को भी खा चुके हैं जो कि कैमरा पर्सन है, यहाँ पे कैमरा पकड़ के खड़े हैं मेरे भाई। और अगर अब थोड़ा बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ आप सीरियसली कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनी है, सीट बेल्ट पहनी है, लो बीम पे चलिए प्लीज़ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि लो बीम पे चलिए यार, बाकी सब तो ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।